चेहरों की भी तासीर बदल जाती है। बाखुदा जिसकी तस्वीर बदल जाती है, और तजुर्बा कई बार हुआ है मुझको शबरोज या अली कहने से तकदीर बदल जाती है। बात समझ ले आप कि मौलाए कायनात के साहबजादे इमाम हसन, इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे सैयद जैनुल आबेदीन, सैयद जैनुल आबेदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस सलाम, जिनके हम खीर कूंडे खाते हैं 22 रजब को, बेटा रहने दे जैसे ये जिनका जश्न हो रहा है मदारे पाक मदारुल आलमीन, ये सैयद हुजूर इमाम जाफर अलैहि सलाम के साहबजादे हैं, ये उनकी औलाद। अब मतलब तवज्जो मांगता है, लेकिन जिनके घरों में बच्चे हैं, जब जब सात मुहर्रम आए अपने बच्चों को अपने गोद में ले लिया करो। इन चार मिसरों पे तवज्जो कहे खुदा, घर से जब कदम निकले ऐ खुदा, घर से जब कदम निकले करबला जाके मेरा दम निकले। और एक बात बता दो, इमाम हुसैन का दरबार, हुजूर गौसे पाक का दरबार, मौलाए कायनात का दरबार, वहां पर ये नहीं पूछते कि तू कौन सी जात का है, हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस वो ये पूछते हैं कि बेटा तू अली वाला है कि नहीं। तवज्जो, ऐ खुदा घर से जब कदम निकले करबला जाके मेरा दम निकले, और अपने बच्चों की जिंदगी मांगो जब भी अब्बास के अलम निकले। हुसैन आएगा जज्बा
बहुत अहम शेर, वो देखो दीने और वो देखो दीने मोहम्मद बचाने करबल में, जब करबला में इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा, सामने लाखों की तादाद, पता नहीं कितने लोग थे, पता नहीं कितने लोग थे, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब इमाम हुसैन पहुंचे करबला में, आप एक बात देखें कि नमाजें उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी, है ना, नमाजें उधर भी थी, नमाजें इधर भी थी, सुन्नत रसूल दाढ़ियां उधर भी थी, दाढ़ियां इधर भी थी, अमामे उधर भी थे, अमामे इधर भी थे, लेकिन फर्क इतना था कि उधर अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। अब तवज्जो, जब अहले बैत की मोहब्बत न थी तो करबला में इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, ऐ दीन के गद्दार, बुलाओ क्या अली को, तुम्हारा भाई बिना माइक के भी गा सकता है। Oh!
जिंदा सा नोट का भूखा नहीं हूँ, वोट का भूखा हूँ। कुर्सी पे अपनी इतना क्यों इतरा रहा है तू? गिर जाए गिर जाए गिर जाए कि सरकार बुलाऊं क्या अली को, बादल जाए
फरमा गले जाए मिसरे और समाज का या रसूल हजरत हजरत उमर ने मक्के में ऐलान कर दिया 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 मुझको मेरे नबी ने मुसलमान कर दिया समाए नूर के बादल छाए छाए नूरी नूरी आज समाए बादल छाए छाए और की काली कबली देखो प्यारे काली कबली देखो प्यारे मोहम्मद आखिरी दो जब जब ईद मिलादुन नबी का महीना आता है हम अपने घरों पर दुकानों पर गाड़ियों पर मोहल्ले में शहरों में हरे कलर के झंडे लहराते हैं हरे परचम लहराते हैं क्यों लहराते हैं क्योंकि जश्न ईद मिलादुन नबी है लेकिन मेरा ईमान मेरा अकीदा क्या कहता है कि हम अपने घरों पर दुकानों पर गाड़ियों पर मकानों में मोहल्ले में शहरों में गाँव गलियों हरे परचम क्यों लहराते हैं तब السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تین دن باقی ہے نا ابھی تمہارے بھائی تین دن باقی ہے نا ابھی دو دن सलाम और रंग आखिर में होता है Thank you.
देखो तेरे को भी तेरे बाहर से खड़े किया।